ज्वाला धोटे की ओर से पुलिस आयुक्तालय के 6वें माले पर पत्रकार परिषद करने की मांग की गई थी, जिसे पुलिस की ओर से नामंजूर किया गया था। पुलिस आयुक्त को भ्रष्टाचारी बताते हुए शुक्रवार को भाजपा की ओर से आयोजित की गई पत्रकार परिषद के विरोध में ज्वाला धोटे ने इस बात पर नाराज होकर कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आमरण उपोषण व जलत्याग उपोषण करने की चेतावनी दी है। ज्वाला धोटे का कहना है कि महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में पुलिस का मनमानी कारोबार शुरू है। इस कारोबार हो रही मनमानी को जिम्मेदार अजगर की तरह सुस्त बैठी हुई है। निष्क्रिय अपयशी महाविकास आघाड़ी, अपयशी गृह विभाग और केंद्र सरकार के भरोसे पर अपनी मनमानी करने वाला नागपुर का विपक्ष है। आगे बोलते हुए ज्वाला धोटे ने कहा कि नागपुर के आयुक्त कार्यालय में ऐतिहासिक घटना घटी है। कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री के हाथों से आयुक्त कार्यालय इमारत का अनावरण हुआ था। शुक्रवार को विपक्ष के कुछ नेता भाजपा के विधान परिषद विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, कृष्णा खोपड़े, माजी विधायक देशमुख, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को किसी सामाजिक विषय पर निवेदन देने आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे। पुलिस आयुक्त को निवेदन देने के लिए उनकी कुर्सी उनके पद का मान रखते हुए उनके पास जाकर निवेदन दिया जाता है। ज्वाला धोटे ने पुलिस आयुक्त को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि वह भाजपा का निवेदन लेने कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे थे। वहां भाजपा की पत्रकार परिषद हुई, वहां जाकर पुलिस आयुक्त ने निवेदन स्वीकार किया। इन सब लोगों ने मिलकर कायदे का उल्लंघन किया है। प्रशासकीय इमारत में राजकीय पक्ष या सामाजिक संगठन पत्रकार परिषद आयोजित नहीं कर सकते। कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। जो जो लोग इसमें दोषी है उन पर अविलंब फौजदारी गुनाह दाखिल किया जाए। इस प्रकरण से संबंधित पुलिस अधिकारियों पर गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसी मांग ज्वाला धोटे की ओर से की गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्वाला धोटे ने पुलिस आयुक्तालय के सामने आमरण उपोषण व जलत्याग उपोषण पर बैठने की और यह आंदोलन सोमवार से शुरू किए जाने की चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र राजधानी नागपुर मध्ये पुलिस प्रशासनाचा छान मस्त मनमानी कारभार सुरू आहे। या संपूर्ण कारभारला, मनमानी कारभारला जबाबदार आहे अजगरासारखं सुस्त पडलेलं महाविकास आघाडी, निष्क्रिय वैफल्यग्रस्त महाविकास आघाडी, अपयशी महाविकास आघाडी, अपयशी महाराष्ट्र गृह विभाग आणि केंद्राच्या जोरावर मस्तावलेलं, केंद्रीय मंत्रीच्या जोरावर मस्तावलेलं नागपूरचं विपक्ष काल परवाची ऐतिहासिक घटना झाली कालची आणि कायदेशीररित्या अधिकृतरित्या त्यांना निवेदन दिलं पाहिजे। परंतु काही राजकीय पक्षाच्या लोकांची चाटुकारिता आणि तल्ले चाटणारा हा पोलीस आयुक्त काही नेत्या मंडळींचं हा आयुक्तालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जातात, निवेदन घेतात, तिथे भाजपची पत्रकार परिषद होते, त्या पत्रकार परिषदेला सुरुवातीला ते बसतात, तिथे निवेदन घेतात आणि नंतर मग आपल्या कक्षात चालले जातात। नागपूरचं टिळक पत्रकार भवन आणि प्रेस क्लब इसको तो अभी ताला लगने की समय आ गया है, कारण तिकडे पैसे कशाला भरायचे? प्रेस क्लबला 4-5 हजार रुपये भरावे लागतात पत्र परिषद घ्यायला, प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ शकत नाही। ज्वाला धोटेला अडवायला इथे शेकडो पोलीस आले आहेत की तुम्ही 6व्या माळ्यावर पत्र परिषद घेऊ शकत नाही, तर ज्वाला धोटेला एकट्या महिलेला अडवायला शेकडो पोलीस येतात, मग ही शंड पोलीस काल भाजपच्या लोकांनी इथे पत्र परिषद घेतली तर त्यांना का नाही अडवलं, त्यांना का नाही रोखलं? आणि जर का पोलीस आयुक्तांचं म्हणणं आहे की त्यांना सूचना दिल्या होत्या तरी त्यांनी प्रेस घेतली तर त्यांच्या कंबरड्यावर दांडू का नाही मारले पोलीस कमिशनरनी आणि या पोलीसवाल्यांनी? जेव्हा सामान्य जनता पोलिसांच्या आदेशाचं पालन करत नाही, कायदा मोडतो, तर पोलीस कसे दंडे आणि चापका कमरेवर मारतात? नागपूरच्या इतिहासात काळ्या अक्षरात लिहिलं जाईल अशी ऐतिहासिक घटना या सुसज्ज आयुक्त कार्यालयात झाली। नवीन कार्यालय काल परवाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या शुभ हस्ते या सुसज्ज इमारतीचं अनावरण झालं होतं। बाब अशी आहे की काल काही विपक्षाचे
मुठभर नेते मंडळी पोलीस आयुक्तांना एक खाप सामाजिक प्रश्नावर निवेदन द्यायला आले. मुठभर नेते म्हणजे भाजपचे सध्याचे विधान परिषदेचे आमदार बावनकुळे साहेब, महाराज खोपडे साहेब, माजी आमदार देशमुख साहेब, हे अमितेश कुमारला एका विशिष्ट प्रकरणात निवेदन द्यायला आले. हाईट तर ही झाली की त्यांचं निवेदन घ्यायला हा महाभ्रष्टाचारी पोलीस आयुक्त कॉन्फरन्स हॉलमध्ये येतो. तसं पाहिलं तर आयुक्तांना निवेदन द्यायचं असेल तर आयुक्तांच्या खुर्चीचा मान असतो, त्यांच्या पदाचा सन्मान राखावा लागतो. लोकांनी आपलं निवेदन घेऊन हे आयुक्तांच्या दलनात गेलं पाहिजे. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.